बहुत अच्छी फाउंडेशन है और एक एनजीओ ने जो एक अच्छा काम किया है और बहुत सारे कलाकारों को इसमें इस प्लेटफॉर्म से काम मिलेगा, तो हम लोग आज आए इनको मुबारकबाद देने। एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है और मुझे लगता है कि ऐसा काम ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत सारे कलाकारों को, बहुत सारे टेक्नीशियंस को काम मिलेगा। मुझे लगता है इस एनजीओ के जरिए काम मिलेगा और हम सब लोग जितने भी यहाँ पर सीनियर एक्टर हैं उनको दुआएं दे रहे हैं और कोशिश करता हूँ कि बस ये एनजीओ ऑनेस्टली काम करें, ऐसी दुआ कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए कि जो इन्होंने काम किया है आई थिंक कि हिंदुस्तान में बहुत पहली मरतबा हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग जुड़े हैं वैसे आप सब भी जुड़िए और नो वेयर फाउंडेशन को आगे बढ़ाइए और इसके साथ अपना कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामना है आपको। नमस्कार। डांस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक फेडरेशन बनाई गई है खास डांसर्स के लिए बनाई गई है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डांसर्स। डांसर्स को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। 2016 से लेके अब तक 11 नेशनल और इंटरनेशनल हम लोगों ने टैलेंट हंट लिए हुए हैं और बस इस तमाम टीम को मैं पहले से जानता हूँ और बहुत मुबारक हो ये नए नए डांसर्स को, नए नए कलाकारों को उनकी कला दिखाने का मौका मिल रहा है अलग अलग अंक की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बिग बॉस की टीम जो 19 जुलाई को फिल्म रिलीज़ हो रही है, पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि अच्छा काम करें और नए नए डांसर्स को मौका दें, छोटे छोटे गाँव से जो कस्बे से लोग आते हैं उनको बड़ा बनाए, यही शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से डांस एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया की सबसे नंबर वन लैंग्वेज है क्योंकि वो आपको आसानी से समझ में आती है, उसकी कोई भाषा नहीं होती, वो सिर्फ एक्सप्रेशन होता है। तो डांस एक्सप्रेशन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितना उसको डांस के ज़रिए जितना अपना मैसेज आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन की भाषा है, इसको हर आदमी समझ पाएगा। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डांस फेडरेशन, मेरी मुबारकबाद है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अच्छे से डांसर इसमें से बाहर निकलेंगे। शायद आपने हमारी वो गाना सुना नहीं है, सांसों में मेरे धड़की वो यूपी की लड़की, चोला चिंगारी जैसी वो यूपी की लड़की, कर गई बेकरार मुझको वो मेरे यार, दे गई इंतजार कचौड़ी अलीगढ़ की वो यूपी की लड़की। तो इसमें आप देखेंगे तो हमने डांस भी किया है और कॉमेडी भी, और यूपी के हर शहर में जो मिठाई फेमस है वो सब देखने यूपी को कवर कर लिया जी। और मुझे जो जानकारी मिली 11 स्टेट इनके साथ जुड़ गए, तो धीरे से ये काम होता रहे तो दुआ करता हूँ पूरे इंडिया के जितने स्टेट हैं वो इसके साथ जी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं डांस फेडरेशन पूरी जान निकल जाती है। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी न्यू है या जो पहले से कर रहे हैं उनकी मेहनत में बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और आप लोग प्लीज ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़िए। मेरी और मेरी बिग बॉस टीम की तरफ से सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। ये कहना चाहती है डांस जो है वो एक्सरसाइज है, अपने आप में एक योगा है। yes, तो yes. कम से कम अपने घर में ही डांस करके योगा कर सकते हैं और इसकी कोई उम्र नहीं होती। इसकी यही मैं अभी बोलने वाली थी कि डांस करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने अभी लास्ट एक डांस का प्रोग्राम किया था, वहाँ मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी कि छोटा बड़ा बुजुर्ग हर टाइप के लोग डांस कर रहे थे। तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है आप लोग करिए, डांस एक एक्सरसाइज ही है जो आप लोग कैसे भी करिए। आप ये मत सोचिए कि आप डांस कर रहे हैं तो बहुत बुरा कर रहे हैं। गणपति विसर्जन में जैसा डांस करते हैं, शादी बरातों में जैसा डांस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करिए।